मोहब्बत किस तरह इमारत में नक्श होकर लाफानी हो गई। मोहब्बत जब दिल से निकलकर इमारत पर नक्श हो गई, एक वादा जो दुनिया के चंद अजायब में शामिल हो गया। अगर इस हकीकत से रूबरू होना है तो ताजमहल का दीदार लाजमी हो जाता है। ताज का मंजर आंखों से उतरकर रूह में पैवस्त हो जाता है और दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। सारे जहां में धूम के इस एपिसोड में बात दिलकश और पुरकशिश ताजमहल की, फन तामीर का एक करिश्मा, बेगम की मोहब्बत का एक लाफानी जज्बा, एक बेहतरीन मिसाल आगरा का ताजमहल। हिंदुस्तान को अपनी इस विरासत पर नाज है। ये मुगलिया दौर की वो नायाब इमारत है जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर फख्र के साथ एक आला मकाम अता किया। ताजमहल संगमरमर की साफ शफाफ इमारत है। जिस पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही ये चमक उठती है। और चांद की रोशनी में नहाकर और भी हसीन हो जाती है। ताजमहल के बारे में कहा यह जाता है कि एक तरह से ये थ्रोन ऑफ गॉड, जन्नत में अल्लाह की, खुदा की सिंहासन का एक तरह से इसमें तसव्वुर है। तो जो जन्नत में शांति होती है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति होती है, उसको उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद रंग इसीलिए चुना कि सफ़ेद रंग शांत होता है। रेड सैंडस्टोन, रेड तो बहुत बहुत एनर्जी वाला रेड कलर होता है, सफ़ेद बहुत शांत होता है। तो जो शांति होनी चाहिए जन्नत में, पैराडाइज में, वो शांति सफ़ेद रंग से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। और जो ताजमहल खुद है उसको एक तरह से खुदा की सिंहासन की तरह से उसको तसव्वुर किया गया है, ये भी उसके इसके इसके बारे में कहा जाता है। ये सब अनुमान हैं, जैसे भी आप लगा लें, ये सब अनुमान हैं। लेकिन उसकी खूबसूरती को इस तरह से भी बयान किया जाता है कि वो एक तरह से जन्नत का तसव्वुर है उसमें, ताजमहल में। ये एक ऐसी इमारत है जिस पर मोहब्बत को भी नाज है। हर दौर इस इमारत पर नाजा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल सदियों से हर आने वाले को अपनी खूबसूरती से महजूज करता है। यूं तो आगरा की तारीख बेहद कदीम है। बादशाहों, राजाओं का राज रहा, लेकिन इस शहर को ताजमहल की वजह से शिनाख्त मिली। जब कभी मुगलों की तारीख लिखी जाएगी, जब कभी हसीन इमारतों का जिक्र होगा, आगरा की ये पहचान अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ सरफहरिस्त होगी। मुगलों ने इस शहर को अपना दारुस्सल्तनत बनाया और एक के बाद एक नायाब इमारतों से सजाया, संवारा और दुनिया के नक्शे पर एक नगीने की तरह जड़ दिया। ताजमहल से चंद किलोमीटर के फासले पर सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी भी है, जो हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे बाब की तरह है। आज इन्हीं तारीखी शहरों की रानाइयों से रूशनास होने की कोशिश करेंगे।
تاج محل ہندوستان کی تاریخ کے اس دور میں بنا جسے سب سے سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ وہ دور تھا مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا۔ تاج محل شاہ جہاں کی اپنی بیگم ممتاز محل سے بے انتہا محبت کی بے نظیر مثال ہے۔ تاج محل ممتاز کا مقبرہ ہے، وہ اسی محل میں آخری نیند سو رہی ہیں۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے انتقال کے بعد تاج محل کی تعمیر شروع کروائی۔ ظاہر ہے وہ اپنی محبت کی ایسی نشانی بنانا چاہتے تھے جو لافانی ہو، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ ممتاز ان کی سب سے پسندیدہ شریک حیات تھی، وہ بے حد حسین تھی۔ مغل دربار کے وزیر اعظم مرزا غیاث بیگ کی بیٹی اور جہانگیر کی شریک حیات نور جہاں کی بھانجی تھی۔ شاہ جہاں اور ممتاز کی محبت 1612 عیسوی میں نکاح میں تبدیل ہو گئی، دونوں نے شادی کر لی۔ ممتاز شاہ جہاں کی تیسری بیگم تھی اور ممتاز کا لقب انہیں شاہ جہاں نے ہی دیا تھا۔ ان کا نام ارجمند بانو تھا، لیکن شاہ جہاں نے انہیں ممتاز محل کے نام سے نوازا۔ ممتاز محل یعنی محل میں سب سے ممتاز، جسے دوسروں سے امتیاز حاصل ہو، اور یقیناً ممتاز شاہ جہاں کی پسندیدہ بیگم بن گئی۔ شاہ جہاں کی ایک پتنی نہیں تھی، کسی بھی بادشاہ کی ایک پتنی نہیں تھی، نہیں ہوتی ہے۔ تین یا چار پتنیاں تھیں شاہ جہاں کی، لیکن سب سے زیادہ محبت اس کو ظاہر ہے ممتاز محل سے ہی تھی۔ ایک تو یہ کہ ممتاز محل خود اپنے بہت ہی پالشڈ ویکتتو تھا ان کا، بہت ہی ایرانی خاندان سے، ایرانی خاندان کے بہت ہی مہتوپورن ویکتیوں سے ان کا لینیج تھا، ان کا سمبندھ تھا۔ آصف خان کی بیٹی تھی، تو اپنے آپ میں بہت پالشڈ ویکتتو تھا ان کا، اور شاہ جہاں کا بے حد محبت تھی ان سے۔ اور شاہ جہاں ایک طرح سے سفید سنگ مرمر کے پتھر کے وہ بنایا کرتے تھے مونومنٹس۔ ان کا سفید سنگ مرمر سب سے پسندیدہ پتھر تھا، تو بنایا ہی کرتے تھے۔ تو ان کی ممتاز محل کی موت کے بعد، ممتاز محل کی موت تو برہانپور میں ہوئی تھی، وہاں پر ان کا شب کو رکھا گیا کچھ عرصے تک، پھر بعد میں یہاں لایا گیا۔ جب تاج محل بن گیا تو بعد میں لایا گیا یہاں۔ خود شاہ جہاں بھی خرم کے نام سے جانے جاتے تھے، لیکن جب وہ 1627 عیسوی میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھے تو ان کے والد جہانگیر نے انہیں شاہ جہاں کے نام سے نوازا۔ شہزادہ خرم نے شاہ جہاں بننے کے بعد اپنی رعایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ ایک نیک اور صالح انسان کی شکل میں جانے جاتے تھے۔ ان کے دور میں کئی عظیم عمارتیں بنی، اور یہ دور تعمیر کے اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ کا سب سے عظیم دور مانا جاتا ہے۔ ممتاز محل کی بے وقت موت نے شاہ جہاں کو بے حد غمگین کر دیا۔ اسی احساس غم کے تحت وہ اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کی ایک نشانی بنوانا چاہتے تھے، اور اسی دائمی محبت کا پیکر تاج محل کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ تاج محل کی تکمیل میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس دوران ممتاز محل کو مدھیہ پردیش کے بڑھان پور میں دفن کیا گیا۔ تاج محل کے مکمل ہوتے ہی انہیں تاج محل میں ہی زیر زمین منتقل کر دیا گیا۔ شاہ جہاں کی زندگی میں ممتاز محل کی اہمیت صرف بیگم کے طور پر ہی نہیں تھی، بلکہ وہ
शाहजहां की मुशीर भी थी। हुकूमत के हर छोटे बड़े फैसले में वो अपने शौहर के साथ होती। उनके जंगी मुहिम में भी साथ रहा करती थी। 1631 ईस्वी में जब शाहजहां बुरहानपुर की मुहिम पर थे, उस वक्त मुमताज उम्मीद से थी, वो मां बनने वाली थी। उस दौरान भी मुमताज बुरहानपुर मुहिम पर शाहजहां के साथ थी, लेकिन किस्मत को शायद ये साथ ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था और मुमताज अपने 14वें बच्चे की विलादत के दौरान चल बसी। बेगम की मौत के बायस शाहजहां टूट गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने गोशा नशीनी अख्तियार कर ली थी। उन्हें इस कदर सदमा पहुंचा था कि इसका असर उनकी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता था। वो उदास और गमगीन रहने लगे थे और वक्त से पहले उनके बाल सफेद होने लगे थे। बाज मुअर्रखीन की राय है कि मुमताज ने अपनी मौत से पहले शाहजहां से अपनी कुछ ख्वाहिशात जाहिर की थी। उनकी पहली ख्वाहिश थी कि शाहजहां उनकी मौत के बाद रंजो गम में न डूबें और उदासी में मुब्तिला ना हो, बल्कि वो निकाह कर लें। दूसरी ख्वाहिश एक ऐसी इमारत की तामीर की थी जो दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो। तीसरी ख्वाहिश थी कि शाहजहां हर साल उनके मकबरे पर आएं। बच्चों के लिए भी मुमताज ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे शाहजहां की मोहब्बत के साए में रहें। ज्यादातर मुअर्रिख मुमताज की इमारत की तामीर की ख्वाहिश से तो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन बाकी की तीन ख्वाहिशों के बारे में उनकी मुख्तलिफ राय हैं। बहरहाल ताजमहल की तामीर के मुतालिक तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। जो ये कहा जाता है कि मुमताज महल ने तीन ख्वाहिशें जाहिर की थी अपनी मौत से पहले, उनमें से एक थी ये थी कि एक बहुत शानदार इमारत बनाया जाए जो उनका मकबरा हो, और दूसरा ये कि शाहजहां गम ना करें उनकी मौत पर, और तीसरा ये कि हर साल उनके मकबरे पर जाया करें वगैरह। ये सब लेजेंड्स होते हैं, तरह तरह के लेजेंड्स बन जाते हैं। लेजेंड्स का अपना महत्व होता है, लेकिन उनमें हिस्ट्री कितनी होती है वो इतना महत्वपूर्ण होता भी नहीं है कि वो वाकई सच है यानी वाकई उन्होंने ये कहा था या नहीं कहा था, इतना कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि चाहे उन्होंने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की हों या ना की हों, शाहजहां ने तो ताजमहल बनाया ही उनकी याद में, और ख़ुद भी वहीं उनका दफन हुआ। और वैसे भी शाहजहां तो सफ़ेद रंग के इमारतें बनाते ही रहते थे उनका, और कई उन्होंने इमारतें बनाई हैं शाहजहां ने, तो उनमें से एक ताजमहल जो सबसे मशहूर है, सबसे खूबसूरत है, लेकिन उनमें से एक है ये। तो इसमें मुमताज़ महल ने ये ख्वाहिश जाहिर की या नहीं की, वाकई जाहिर की या नहीं की, उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ताज से मुताल्लिक मुख्तलिफ कहानियां सुनी जा सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने जब गोशा नशीनी अख्तियार कर ली थी, उसी दौरान उन्होंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक फरिश्ते ने उनसे मुमताज की याद में एक महल बनवाने की बात की थी जो दूध की मानिंद सफेद और जन्नत सी हसीन हो, और शायद
उसी ख्वाब को शाहजहां ने हकीकत का रंग भरने की एक कामयाब कोशिश की। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शाहजहां ने ताजमहल की तामीर के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था, वहां पर तामीर बहुत मुश्किल थी। ताजमहल की जमीन यमुना नदी के किनारे मुंतखब की गई और जमीन के अंदर तकरीबन 50 फीट गड्ढा खुदवाया गया और उसमें पत्थर डालकर बुनियाद तैयार की गई। उस जमाने में यह काम बेहद मुश्किल था, लेकिन ताज को उसी बुनियाद पर खड़ा किया गया। यमुना के किनारे ताजमहल की तामीर की एक और खास वजह थी, वो ये कि नदी के किनारे उसकी खूबसूरती और बढ़ गई और चांदनी रात में तो ये और दिलकश नजर आता था। जन्नत तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन ताजमहल को देखकर जन्नत का गुमान जरूर होता है। ताजमहल की खूबसूरती से मुतासिर होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये वक्त के गाल पर टपका आंसू है। और वाकई इसकी खूबसूरती से आप मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। ताजमहल बाहर से जितना हसीन लगता है, उतना ही दिलकश वो अंदर से भी है। बाहरी दीवारों पर कुरान की आयात नक्श की गई हैं, जो इस इमारत को बला का हुस्न अता करती हैं। शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को लाफानी बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। कारीगरों की तलाश में 6 महीने लगे और 37 कारीगरों की एक टीम तैयार की गई, जो पत्थरों को तराश कर उस पर नक्काशी करते थे। नक्काशी और पत्थरों की जेबाइश में 27 तरह के बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही थी कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो दूर दराज के शहरों से लाए जा रहे थे, जिसे हाथियों के सहारे लाया जाता था। बैरून मुल्क से आने वाले कारीगरों के लिए शाहजहां ने पूरी बस्ती आबाद की, जिसका नाम रखा मुमताज आबाद, जो आज ताजगंज के नाम से मशहूर है। ये शहर आज भी ताज के साए में है और हर लम्हा हर पल यहां ताज अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अपने हसीन माजी से रूबरू कराता है। ताजगंज के बाशिंदे ताजमहल का डिजाइन छोटे छोटे पत्थरों में बनाकर अपना कारोबार चलाते हैं और मोहब्बत का ये ताज हर रोज यहां आने वाले सयाहों को मोहब्बत का पैगाम देता है। मुमताज की ख्वाहिश पूरी करने में शाहजहां ने सन 1631 से 1653 तक का वक्त लिया और जब यह हसीन पैकर तैयार हुआ तो दुनिया देखकर दंग रह गई। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, बेशकीमती पत्थरों की जेबाइश और दूध जैसा सफ़ेद मुजस्मा देखकर न जाने कितने शायरों ने इसके कसीदे पढ़े। ये वाकई फ़न तामीर की एक ऐसी नायाब मिसाल बनी जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। अगर तर्ज तामीर के नुक्ते नजर से देखा जाए तो ताजमहल की तामीर में फनी बारीकियों पर खास तवज्जो दी गई। चारों तरफ मीनारें बनवाई गई, लेकिन ये मीनारें मकबरे से मुंसलिक नहीं हैं। इनकी बनावट में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अगर ये मीनार खुदा न खास किसी वजह से गिर भी जाए
तो ये मकबरे की तरफ नहीं गिरेगी। ये एक खास तकनीक से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, जिसके बीच में बैल्कनी बनाई गई है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में एक बड़ी सी बैल्कनी है, जिस पर छतरियां लगाई गई हैं। ये छतरियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मकबरे के गुंबद पर लगी छतरियां हैं, जो मकबरे और मीनारों में यकसानियत पैदा करती हैं। मुगल दौर की लगभग तमाम इमारतों में एक खास किस्म की यकसानियत है, और वो है किसी बुलंद मकाम पर इमारतों की तामीर, यानी ऊंची जगह पर इमारतें बनवाई गई हैं। ताजमहल के साथ भी ऐसा ही है। ऊंचाई पर होने की वजह से ये दूर से ही नजर आता है। इसके मरकज में एक प्याज नुमा गुंबद है, जो पूरी इमारत को तवाजुन फराहम करता है। प्याज नुमा ये गुंबद अनियन डोम भी कहलाता है। गुंबद के ऊपर एक कबा यानी कलश बना हुआ है, जिससे और भी ऊंचाई का गुमान होता है। ये कलश हिंदू और इस्लामिक तर्ज तामीर की मिलीजुली शक्ल है। इसके ऊपर बना ये चांद खालिस इस्लामिक तर्ज तामीर की अक्कासी करता है, जबकि इस चांद को कलश के साथ देखा जाए तो हिंदू तर्ज तामीर की झलक साफ नजर आती है। ये एक त्रिशूल की तरह नजर आता है। त्रिशूल हिंदू मजहब के मुताबिक भगवान शिव की अलामत है। कबा यानी कलश पहले सोने का था, लेकिन बाद में इसे तांबे में तब्दील कर दिया गया। सफेद संगमरमर के इस हसीन पैकर को तराशने के बाद शाहजहां स्याह पत्थरों से ऐसी ही एक और इमारत बनवाने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन उनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। ताजमहल की तामीर में शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था, और उस पर एक और ताज की तामीर ने शाहजहां के बेटे औरंगजेब को एक सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के लाल किले में कैद कर दिया, और इस तरह शाहजहां का ख्वाब अधूरा रह गया। अपने अधूरे ख्वाब के साथ शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम कैद और नजरबंदी में बसर किए। दिल में हसरत और आंखों में मायूसी के साथ उनके दिन गुजरे। जिस जगह शाहजहां को कैद किया गया था, वहां से वो ताज का दीदार कर सकते थे, और यही एक जरिया था जहां से वो अपने शाहकार को हसरत भरी निगाह से देखते रहते। और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से कूच कर गए। 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में शाहजहां ने इस दारे फानी को अलविदा कह दिया, और अपनी बेहद अजीज शरीक हयात के करीब ही दफन किए गए। मुगल दौर के दस्तावेज के मुताबिक शाहजहां के जनाजे को दरिया के रास्ते महल से ताज तक लाया गया था। शाहजहां अपने ही बनाए गए इस शाहकार इमारत में अपनी शरीके हयात के साथ आराम फरमा रहे हैं, और दुनिया मोहब्बत की इस निशानी को एक नजर देखने का शर्फ हासिल करती है। तकरीबन 350 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ताजमहल हर रोज नया लगता है, लेकिन इसके सीने में दफन है मुगलों के हसीन माजी की
बेशुमार यादें। आज ना तो शाहजहां हैं और ना ही मुमताज महल, लेकिन उनकी मोहब्बत दायमी है, वो मोहब्बत जो ताजमहल की शक्ल में तारीख के सफहों पर दर्ज हो चुकी है, वो दास्तान जो इसके दरो दीवार पर नक्श हो चुकी है। इन सफेद दीवारों पर माजी की हसीन यादों के साथ मोहब्बत और जुनून की इबारत लिखी गई है। जब जब मोहब्बत की बात होगी, जुनून का जिक्र होगा, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत ताजमहल की शक्ल में दुनिया को अपनी दिलफरेबी और दिलकशी के साथ लुत्फंदोज करती रहेगी। ये इमारत इन दोनों की मोहब्बत की न सिर्फ निशानी है, बल्कि एक खराज अकीदत भी है। सारे जहां में धूम में अगले हफ्ते तारीख के कुछ और सफ़हे खुलेंगे और कुछ और हसीन व तारीखी इमारतों का जिक्र होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।